नमस्कार दोस्तों, आरसीएन जॉब न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न भर्तियों से संबंधित जानकारी दी जाती है। कोई भी जानकारी हो संक्षिप्त में विस्तृत रूप से देने का प्रयास किया जाता है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भर्ती 2020, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती 2020 के बारे में। इन दोनों भर्तियों का विज्ञापन कब तक जारी होगा, कुल पदों की संख्या क्या है, इन सब के बारे में संक्षिप्त में मैं आपको विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करूंगा। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2020 के विज्ञापन के बारे में। विज्ञापन किस माह किस सप्ताह जारी किया जाएगा, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कुल पदों की संख्या के बारे में। जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि परिवार कल्याण विभाग द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के 485 पदों पर भर्ती के लिए शासन को नियमावली भेजी जा चुकी है। तो क्या 485 पदों पर विज्ञापन जारी होगा या पदों की संख्या बढ़ सकती है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आयोग के पास अधिकार होता है कि वह पदों की संख्या बढ़ा और घटा सकता है, लेकिन ज़्यादा संभावना पदों की संख्या बढ़ने की होती है। तो जो 485 पद दर्शाए गए हैं, यह पद बढ़ के लगभग 550 तक जा सकते हैं, 550 पद। और पद कब तक बढ़ सकते हैं? पद प्रारंभिक परीक्षा परिणाम जारी होने से पहले तक बढ़ सकते हैं। अगर उससे पहले अध्याचन आयोग को प्राप्त हो जाता है कुछ और पदों का, तो पदों की संख्या बढ़ जाएगी। विज्ञापन किस माह जारी होगा, उससे पहले हम बात करेंगे आरओ एआरओ 2020 के विज्ञापन के बारे में। आरओ एआरओ 2020 के विज्ञापन में कुल पदों की संख्या क्या हो सकती है? आप सभी अपने स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रुप बी पोस्ट नेम, नंबर ऑफ पोस्ट, रिव्यू ऑफिसर अकाउंट्स 49 पोस्ट, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर 318 पोस्ट, रिव्यू ऑफिसर 447 पोस्ट, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर अकाउंट्स 26 पोस्ट, टोटल पोस्ट 840। जैसा कि मेरे द्वारा आपको पहले भी बताया गया है कि पदों की संख्या घट और बढ़ सकती है, जो मैं आंकड़े दे रहा हूँ, जो मुझे प्राप्त हुआ है वही दे रहा हूँ। आगे जो भी आंकड़े प्राप्त होंगे मैं आपको दूंगा। अब सवाल उठता है कि कुल पदों की संख्या बढ़कर कितना हो सकता है? तो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के कुल पदों की संख्या बढ़कर अधिकतम 887 से 940 तक हो सकता है, 887 से 940 तक। अब आइए जान लेते हैं कि विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा। जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन पहले आएगा 24 जनवरी 2020 के पहले विज्ञापन स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का विज्ञापन जारी किया जाएगा। लेकिन विज्ञापन किस माह में जारी किया जाएगा, किस सप्ताह में जारी किया जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 20 फरवरी 2020 के बाद ही जारी किया जाएगा। कारण है कि जो टाइपिंग की डेट 2017 की लगी है एआरओ, जब तक उसका फाइनल परिणाम घोषित नहीं होगा तब तक वैकेंसी नहीं आएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ फाइनल परिणाम आने में लगभग 10 से 15 दिन का समय लगेगा। उससे 10 से 15 दिन बाद ही विज्ञापन जारी होगा। तो जो अनुमान लगाया जा रहा है कि विज्ञापन 20 के बाद ही जारी होगा, और जो सूचना प्राप्त हुई है कि मार्च के प्रथम पक्ष तक विज्ञापन किसी भी हाल में जारी कर दिया जाएगा। मार्च के प्रथम पक्ष में अगर कोई विपदा सामने नहीं आती है, कोई संकट सामने नहीं आता है, अपरिहार कारण सामने नहीं आता है, तो विज्ञापन मार्च के प्रथम पक्ष तक जारी कर दिया जाएगा, जो जानकारी है। और पदों की